आप कभी ट्विंकल का इंटरव्यू करो या आप कभी ईशा का करो तो मेरे खाने में हमेशा अंडा मिलता था या सोयाबीन मिलता था फिक्स था वो जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर चाहे वो आपका जिम हो फिर चाहे वो आपका फूड हो ये प्रैक्टिस का पूरा ये मुझे लगता है कि एज एन एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रोसेस है काम करने की वो लास्ट शो के प्रोड्यूसर थे ये एक और बात है लेकिन मैं उनको पसंद बहुत सालों से करता हूँ Uh, एक बुर्जी <laughs> क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वो ही खाता हूँ मुझसे किसी से मेरा लंच पूछोगे आप कभी ट्विंकल का इंटरव्यू करो या आप कभी ईशा का करो तो मेरे खाने में हमेशा uh, अंडा मिलता था या सोयाबीन मिलता था फिक्स था वो या तो मैं uh, तोफू खाना मुझे बहुत पसंद है या मैं एक बुर्जी बहुत खाता हूँ पांडा बिकॉज पांडा बहुत लेजी होता है वो बहुत कूल cool होता है वो बहुत रिलैक्स होता है जो मैं नहीं भी हूँ या हूँ भी मुझे नहीं पता बट मैं हूँ वैसा कुछ मुझे लगता है मेरे अंदर वो पांडा वाले कुछ फीचर्स हैं अंदर uh, अभी रिसेंटली मैंने बाइसिकल थीफ देखी है पुरानी फिल्म है काफ़ी पुरानी फिल्म है और uh, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ uh, सत्यजीत रे की किताब है उसमें उस मूवी उस का जिक्र किया गया था कि जब रे ने उनका सिनेमा देखा जब रे ने पहला सिनेमा आई थिंक यही देखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यहाँ नहीं देखी थी फिल्म वो बाहर जाके उन्होंने वो फिल्म देखी थी किसी काम से गए थे आई थिंक लंडन वो किसी काम से गए थे तो वहाँ उन्होंने ये फिल्म देखी थी बिलीव uh, मी अगर किसी के पास टाइम है तो वो ज़रूर देखे मूवी पर आपको ये फिल्म मिल जाएगी बाइसिकल थीफ और बहुत अच्छी और एक इमोशनल और बहुत बहुत फील गुड वाली फिल्म है मैंने अभी रिसेंटली गॉड फादर भी देखी वापस से अपनी पुराना जो मेरा सिनेमा है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ पुराना तो बता सकता हूं मैं मतलब पुराना मेरा मैं सुनाली बिंद्रे इ, मेरा पहला ऐसा क्रश है जिसको देख के मुझे लगा कि यार यस <laughs> जब मैं बहुत सारा वर्कआउट करके और मैं कुछ ऐसे पेस्ट्री खा लेता हूं तो मुझे लगता है वो मेरा गिल्टी प्लेशर रवि भाई रवि जी अनसर्टेनिटी आप कितना भी बड़ा काम करके आ जाओ आप कितना भी छोटा काम करके आ जाओ आप कुछ भी करके आ जाओ लेकिन आपको फिर से साबित करना है खुद को और इतना अनसर्टेन है कि आ, कब मौका मिलेगा ये भी नहीं पता तो जब भी आप जब भी मैं ये मेरे मेरे साथ एक आदत है कि जब भी मैं लास्ट लास्ट का कोई शो कर रहा होता हूँ जैसे मुझे पता लग जाएगा कि ये शो को अभी एक महीना है तो मैं अपने जितने भी मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं या जो भी मैंने सीखा है या जो भी मेरी नॉलेज है अबाउट सिनेमा या समथिंग मैं सबको उसमें डालने ही कुछ हूं। की कोशिश करता हूँ अभी रिसेंटली लास्ट साथ में भी कि कुछ एक सीन चल रहा था और मैंने बोला नहीं सर इसको ऐसे करते हैं कुछ ऐसा बनाता हूँ तो हमने चार पाँच कैमरे एक साथ लगा दिए थे और वो ईशा के साथ ही मेरा एक सीन था वो बड़ा सीन था और मैंने उसमें कुछ भी किया बिना रिहर्सल के मैंने उस सीन किया मैंने उसमें किसी को नहीं बताया कि मैं पेपर उड़ाने वाला हूँ या कुछ क्योंकि सब तरफ से कैप्चर हो रहा है तो इतना स्ट्रेस नहीं था और उसमें मैंने कुछ अपनी थ्योरी के साथ काम किया उसको मैंने वैसा बनाया तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो और इसका इसका हिस्सा आप क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम यार कई सारी जगह आपको आ, आपको रिबेट मिल जाती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं गया हूँ किसी बैंक में गया हूँ लोग पहचान लेते हैं तो लगता है कि ठीक है चलो ये जल्दी कर देते हैं इसका काम यही इसका ड्रॉबैक है कि वो फिर पहचान के कई सारी जगह आपको आप नहीं भी जाना चाहते हो उन लोगों के बीच में या नहीं भी किसी से आप किसी अपने स्पेस में होते हो तो भी फिर आप वहाँ तक पहुँचते हो हार्डेस्ट तो नहीं बोलूँगा बहुत एक ये लेकिन ये ज़रूरी है कि रोज़ खुद पर काम करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है अभ्यास जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर चाहे वो आपका जिम हो फिर चाहे वो आपका फूड हो ये प्रैक्टिस का पूरा ये मुझे लगता है कि एज एन एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कल कल से किताबें पढ़ना बंद कर दूँ थोड़ी बहुत जो मैं पढ़ता हूँ या मैं कुछ भी रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ या मैं सिनेमा देखना बंद कर दूँ या मैं अच्छा खाना खाना बंद कर दूँ या मैं काम करना ही बंद कर दूँ एक्टिंग से रिलेटेड बात करना ही बंद कर दूँ तो मेरी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और आपको हर चीज़ पर काम करना है मुझे डेली जिम भी जाना है मुझे किताब के दस पन्ने भी रोज पढ़ने हैं मुझे कोशिश करनी है कि एक फिल्म ज़रूर मैं ख़त्म करूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और कुछ लिखूँ कुछ अपना अपने थॉट्स में जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं लिखने की कोशिश करूँ यही सब मेरी प्रोसेस है और यही इसका हिस्सा है मैं एक्टर नहीं होता तो आ, ये यार ये सवाल बहुत ये बहुत मैं लॉयर हो सकता था मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं एक लॉयर बनूं और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो राइटर होता या फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना अपना ओपिनियन है मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा होता जो मैं आज भी कोशिश करता हूँ मैं किसी को असिस्ट कर रहा होता किसी डायरेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्ट मतलब कहीं कुछ ऐसा काम कर रहा होता क्रिएटिव मैंने किया ही था असिस्ट बॉम्बे आने के बाद किसी राइटर को असिस्ट कर रहा होता मैं आज भी बोल देता हूँ लोगों से कभी ऐसा होता है कि यार मैं असिस्ट कर लूँ क्या आपको मतलब तो अब क्या करोगे असिस्ट करके नहीं तो क्या हो गया तो आपको क्रिएटिविटी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है आपका रवि भाई पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रोसेस है काम करने की वो लास्ट शो के प्रोड्यूसर थे ये एक और बात है लेकिन मैं उनको पसंद बहुत सालों से करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मतलब उनका एक अलग प्रोसेस है काम करने का वो जितने उनसे बात करके बात समझ में आती है कि वो उनका अभ्यास बहुत गहरा है वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का एक अलग मजा आएगा जब भी मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ या उनके साथ शेयर करके उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उस तरह का बॉन्ड भी है कि मैं उनसे वो कई कई बार वो बताते थे और जिस तरह से वो बताते थे जिस तरह से वो बेटा कह के बात करते थे या वो ऐसे समझाते थे वो बड़ा बड़ा अच्छा है उनका समझाना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनको आप जीना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल के पास होती हैं मैं मैं दुनिया के शायद सबसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगा या बहुत लोगों के साथ काम करना चाहूंगा बट मैं एक नाम इसलिए बोल सकता हूँ ये आज कि ये दिल के बहुत करीब है थैंक यू सो मच एकम को इतना प्यार देने के लिए उडारियाँ को इतनी मोहब्बत देने के लिए हितेश के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मैं पिछले कई कई सालों से कुछ ना कुछ काम करता हुआ आ रहा हूँ और आज भी जब कभी इंस्टाग्राम पे उस तरह के मैसेजेस आते हैं कि हमने आपका अगर तुम साथ हो देखा था हम आपके हम आपको सवरीन गूगल के टाइम से जानते हैं हमने आपका स्वामी रामदेव भी देखा था Uh, आपका एक शो आया था वो भी हमने कुछ ऐसे फॉलो किया था मानव आपको पसंद किया गया था विक्रम दीवान आपको पसंद किया गया था तो उस मोमेंट पे लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं कोई तो देख रहा है <laughs> और वो आप जो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच प्लीज कीप वॉचिंग मी जितना प्यार आप लोगों का मिलता है इंस्टाग्राम पे वो आप देते रहिए एंड थैंक यू सो मच आई गाइज आई हितेश भारद्वाज एंड यूर वॉचिंग मी ऑन Glitz Vision USA